मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इन दिनों मोबाइल छीनकर लूट की घटना को अंजाम देने वाली बाइकर्स गैंग लगातार पुलिस की नाक पर दम मचा रखा है, जहां आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ भी मोबाइल लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र के जंजीर वाले चौराहे का है, जहां जनप्रतिनिधि और पूर्व पार्षद अशोक जहरवाल जंजीर वाले चौराहे पर अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। इसी दौरान मुंह पर मास्क लगाए ब्लू रंग की बाइक पर दो युवक अचानक पीछे से आए और पार्षद का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना इतनी जल्दबाजी में हुई कि पार्षद महोदय को समझ ही नहीं आया, जब तक वह लोगों को चिल्लाकर उनके पास हुई घटना के बारे में जानकारी देते, तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। हालांकि पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, लेकिन यह पहला मामला नहीं है जहां इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। शहर में आए दिन लगभग 2 दर्जन से अधिक मोबाइल बाइक सवार द्वारा छीनकर फरार हो जाने की घटना सामने आती है। कहीं कहीं अब पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जिस तरह की बाइक्स गैंग लगातार पुलिस को एक बड़ी चुनौती देते नजर आ रही है, हालांकि देखना यह होगा कि सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी इस गिरोह का पर्दाफाश पुलिस कैसे करेगी। मैं घर से खाना खा के आया था और आने के बाद यहाँ सड़क पे खड़ा होकर मेरे मित्र को बुलाया था घूमने चलना है और मोबाइल लगाया इतनी देर में, तो उधर से मालूम मिल तरफ से 2 व्यक्ति आए नीली बाइक पर, वो पल्सर थी गाड़ी, और यहाँ उन्होंने थोड़ी देर रोकी और रोकने के बाद जैसे मेरा मोबाइल हाथ में तो थोड़ा ढीला हुआ और वैसे लूट के ऐसे भागे कि जैसे पूछ लो कि इस इंदौर शहर में कोई है ही नहीं यहाँ पे, इस तरह से लूट के भागे वो। बिल्कुल पुलिस का तो, पुलिस प्रशासन का तो खौफ ही खत्म हो गया इन बदमाशों में, लुटेरों में, और पुलिस प्रशासन खूब उन लोगों को दिखा रही है जो मास्क नहीं लगा रहा है। मास्क लगाने वालों को पकड़ रहे हैं, वो तो अपने आप करेंगे इसे बीमारी के डर के मारे, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे जो बेचारे बेचारे लोगों का मोबाइल छीन छीन के भाग रहे हैं। आए दिन घटना हो रही है, और मेरे को कल भी रिपोर्ट मिली कि कोई रेसकोर्स रोड तरफ से भी ले गया, इधर जंजीरा चौराहे तरफ से ले गए, इधर रानी सती गेट की तरफ से लूट के ले गए, तो मेरे को बड़ा ताजुब हुआ यार कि पुलिस प्रशासन इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहा। क्या पुलिस की लापरवाही है? ये पुलिस की पूरी टोटल लापरवाही है।